अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जिस तरह के मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टेप के किप्स के और स्टार्स के अपलोड करूँगी, और ये तीनों अकेडमीज कोई आम अकेडमीज नहीं है, इनके एमसीक्यूज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं और एक एक चैप्टर से तकरीबन 200-200 एमसीक्यूज जो है वो आते हैं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले आपको स्टेप्स का करवा रही हूँ, क्योंकि स्टेप मैंने एनालाइज किया ना स्टेप किप्स और स्टार्स को, तो स्टेप के मुझे काफ़ी इसमें मतलब ऐसे एम सी क्यूज लगे जो कि अगर आप लोगों को मैं ये करा देती हूँ ना, तो इसके बाद जब मैं किप्स और स्टार करवाऊँगी ना, तो उसमें ज़्यादा जो है समझाने की नीड नहीं होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बायोएनर्जेटिक्स से स्टार्ट ले रहे हैं। बायोएनर्जेटिक्स से इस वजह से स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है इनका जो मुश्किल चैप्टर्स है, मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल है। ये मुश्किल इस सेंस में होता है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आप लोगों ने कभी ट्रिकी एमसीक्यूज नहीं किए होते। मैं मानती हूँ कि कराची की अकेडमीज़ का नाम तो है, लेकिन मैं नहीं मानती कराची की अकेडमीज़ को, क्योंकि मैंने खुद देख ली है सारी अकेडमीज़ तो सब ज़ीरो हैं बाकी प्रोविंस के मुकाबले में, जैसे केप्स हो गया, स्टेप हो गया, स्टार हो गई, तो इस तरह की अकेडमी कराची में नहीं है। इंशाल्लाह मैं जो है फ्यूचर प्लानिंग अपनी जब मतलब कर रही हूँ, तो उसमें मैंने ये चीज़ भी ऐड की है कि इंशाल्लाह मुझसे अगर हो सके तो मैं कोचिंग्स का, स्टडी का निज़ाम बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप लोग को मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए, ठीक है। सो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा बायोएनर्जेटिक है वर्कशीट, ये जो है फर्स्ट है, ठीक है। बायोएनर्जेटिक फर्स्ट एमसीक्यूज आप देखें क्या क्या लिखा हुआ है। इनसाइड द स्टोमा जब भी आप कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें, इससे जो है काम में बरकत होती है और काम आपका जल्दी और आसानी से जो है सरंजाम पाता है, ठीक है। सो ये जो है अपनी एक आदत बना ले, इससे काफ़ी बरकत होती है। सो स्टार्ट करते हैं बायोएनर्जेटिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सस्पेंडेड, तो ये बताएं कि इनसाइड द स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रीजन होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है और एक थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनसाइड द स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है देयर इज अ सस्पेंडेड, मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्या सस्पेंड हुआ होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखें मेम्ब्रेन सिस्टम, सेकेंड सेट ऑफ एंजाइम, सी देखें मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेट ऑफ एंजाइम, और डी देखें क्या है क्लोरोफिल। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनसाइड द स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या सस्पेंड हुआ होता है, तो उसके जो है उसमें जो है मेम्ब्रेन सिस्टम और सेट ऑफ एंजाइम जो है वो सस्पेंडेड हुए होते हैं ना, जिसमें ATPase जो कि एक एंजाइम के तौर पर ATP की प्रोडक्शन करवाता है, और मुख्तलिफ पिगमेंट्स और फोटो सिस्टम और कैरियर मॉलिक्यूल्स, ये सब मेम्ब्रेन सिस्टम में और एक सेट ऑफ एंजाइम वहाँ पे तरतीबवार मौजूद होता है, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है मेम्ब्रेन सिस्टम, सेट ऑफ एंजाइम दोनों ही होते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें सेट ऑफ एंजाइम होते हैं, तो सी हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम सेट ऑफ एंजाइम करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। सो इस तरह के MCQs, जैसे कि इस MCQs के जो उसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप देख लिया करें ऑप्शन, ठीक है। सो अब हमारा सेकेंड एम सी क्यूज़ पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये 1 और ये 7 साथ में ही डिस्कस कर लें, क्योंकि इनका इस तरह से तरतीब है ना कि ये 1 7 एक साथ आ रहे हैं, छोटे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंड पे चलते हैं हम, सेकेंड हमारा क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ना आर फाउंड, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फाउंड होते हैं किस में, एक तो ये जो PDF है ना वो ऐसी है कि आगे पीछे जा रही है, अब ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर फाउंड एम्बेडेड इन, कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए थायलोकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन,
लेमिनर मेम्ब्रेन या इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो पहले आप जब भी ये एमसीक्यूज की वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पॉज कर लिया करें, ठीक है, और खुद फिर बताया करें कि मतलब खुद को बताया करें कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद वीडियो को दोबारा रिज्यूम कर लिया करें और देखिए कि मैम ने अब कौन सा बताया है, और अगर हम इनकरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, हम कहाँ पर लैकिंग हमारा कॉन्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वहाँ पर जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इनसाइड स्ट्रोमा जो क्लोरोफिल वो होते हैं वो कहाँ पे सस्पेंडेड होते हैं, वो मेम्ब्रेन सिस्टम और सेट ऑफ एंजाइम्स, मतलब मेम्ब्रेन सिस्टम में सस्पेंड हुए होते हैं, वहाँ पे सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये यही पूछ रहे हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, ये देखें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पे पाया जाता है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि हम साथ में जो है ना हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या था हमारा, ये सी ऑप्शन, ठीक है। और इसका हमारा आंसर क्या है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर पार्ट ऑफ, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो आर पार्ट ऑफ किसका पार्ट होते हैं, वो बताएं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना फोटोसिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक चल रहा होता है कि पहले फोटोसिस्टम टू ने ही पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिस्टम सिस्टम जो है पहले टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, फिर वो टू इलेक्ट्रॉन जो है आगे प्लास्टो क्वाइनिन रिसीव करता है, उसके बाद फिर साइटोक्रोम BF6 रिसीव करता है, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम वन, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर उसके बाद फेरोडोक्सिन और फिर NADP रिडक्टेज, ठीक है। इस तरह से पूरी एक आपको चेन, इस तरह से मैंने सीक्वेंस बताई है तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताई है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, क्या चेन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो होते हैं थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे उसी का पार्ट है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट एमसीक्यू में बताया था कि सेट ऑफ एंजाइम और मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा जो है उसमें सारे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स एंजाइम सब मौजूद होते हैं। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है। सो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं ए, ठीक है। अब आगे देखें, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ, ये कह रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है ना और अदर पिगमेंट्स, ठीक है, अदर पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड आ जाता है, क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल्स आ जाते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को, ठीक है, विच इज़ कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में, वो कौन सी फॉर्म है, ठीक है। या तो ये तो आपको पता है कि पिगमेंट्स, ये भी MCQ आ चुका है कि पिगमेंट्स कौन सी लाइट को कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं उसकी फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में, NADH या NADPH या ATP NADPH ATP NADH या FADH या NADPH, तो वो कौन से दो मॉलिक्यूल हैं जो कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो वो ये जो आपने लाइट डिपेंडेंट फेज में पढ़ा होगा कि लाइट डिपेंडेंट फेज की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, ATP एंड NADPH, मीन करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ये है लाइट डिपेंडेंट फेज की प्रोडक्ट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट फिर लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है इसको यूज़ करता है, ठीक है, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ग्लूकोज को बनाने के लिए। अच्छा, फिफ्थ देखें, द सब्सटेंस डेट एब्जॉर्ब, देखें मैं जो है जितनी मुझसे डिटेल प्रोवाइड मैं कर सक रही हूँ इस तरह से वीडियो बनाने में, क्योंकि ये जो है मैंने अपना स्टैंड लैपटॉप के आगे फिक्स कर रखा है, क्योंकि जिस तरह से मैं वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ उसमें इतना क्लियर नहीं आ पाता। तो अब मैं ये सारी जो है ना ये MCQs वीडियो आप देख लें, इस तरह ये देखने के बाद फिर आप बुक की रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। आपको ये
वीडियो देखने के बाद क्या होगा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, जो आप बायोएनर्जेटिक से इतना भागते हैं ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एमसीक्यूज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सब इतने ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो आपको वो इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर अपना चैप्टर बहुत जल्दी रीड कर लेंगे कि भाई ये चीज़ें पूछी जाती है, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने बेफजूल में उसको इतना बड़ा जो है कर लिया होता है कि भाई नहीं होता नहीं होता, तो ये वीडियो पहले देखने के बाद अपने चैप्टर को करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। सो देखें, द सब्सटेंस डेट अब्सॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड, वो सब्सटेंस बताएं जो कि विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करता है बताएं, ये अभी मैं पहले बता चुकी हूँ। मैंने ये भी बताया कि ये आ चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिगमेंट्स का बताया होगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया है कि पिगमेंट्स ही वो होते हैं जो कि विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, मीन लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। सो अब नीचे आते हैं, सिक्स, डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट पिगमेंट जो है ना, मुख्तलिफ पिगमेंट्स, अब मुख्तलिफ पिगमेंट्स में मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए बी और सी डी जो बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड्स हैं, तो फिर ये सारे पिगमेंट्स होते हैं, तो ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। तो ये बताएं कि वो कौन सेम वेवलेंथ को करते हैं, या 38750 नैनोमीटर वेवलेंथ को करते हैं, या फिर डिफरेंट वेवलेंथ को करते हैं, या 28750 नैनोमीटर वेवलेंथ को। तो करेक्ट ऑप्शन आप बताएं कि क्या है इसमें। सॉरी, ये स्टैंड ऐसा क्यों, सॉरी मैं जो है लैपटॉप को देख रही हूँ और यहाँ पे स्टैंड जो है ख़राब हुआ हो पड़ा है, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, पता नहीं कब से ख़राब हुआ होगा, मैंने अभी चेक किया है इसको। अच्छा, तो डिफरेंट पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ना लाइट को, तो ये बताएं सेम वेवलेंथ को करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ को करते हैं, या जो बी और सी में रेंज दी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन आप बताएं, चूज़ करें, वीडियो को पॉज करें और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, डिफरेंट पिगमेंट जो है डिफरेंट वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करते हैं, इनकी अपनी अपनी रेंज, क्लोरोफिल ए की अपनी रेंज है, क्लोरोफिल बी की अपनी है, कैरोटीनॉइड की अपनी है, ये आपको एज इट इज़ लाइन मिल जाएगी फेडरल बुक्स में, ठीक है। सो अब हम सिक्स सेवन एमसीक्यूज़ पे चलते हैं, वो हमें ऊपर मिलेगा, ये रहा। अब इसमें जो है मसला ये है कि इसमें सीक्वेंस ख़राब हुई पड़ी है, ये सेवन। अब ये सेवन एमसीक्यूज आप देखेंगे क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं मेजर रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स की, ठीक है, टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स कौन कौन सी लाइट को किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो ये हम किस इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चलता है, या किस इंस्ट्रूमेंट से हम ये मेजरमेंट करते हैं। तो ये मैं अपने लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, मेरे बायोनोजेटिक के लेक्चर्स फेडरल के आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, तो ये मैं वहाँ भी बता चुकी हूँ, और मैंने ये भी हद तक ये बताया था कि ये एग्जाम एमसीक्यूज आ सकता है, और देखें ये आपके सामने प्रूफ मौजूद है, ये आया हुआ है। तो इसका सही आंसर वही बच्चे दे सकेंगे जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सही आंसर पिक कर लिया होगा, जो कि डी है, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये मैंने आपको समझाया था लेक्चर में। अच्छा, एट देखें, थायलोकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन करता है क्या, थायलोकॉइड मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है, ऑप्शन देखें, सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, ओनली क्लोरोफिल, ओनली कैरोटीनॉइड, या ओनली ज़ैंथोफिल। तो ये भी अभी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वीडियो को और से देखें। मैं एक एमसीक्यूज में जब मैं आपको एक एमसीक्यू समझाती हूँ तो उससे मैं वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज आपको बता देती हूँ कि इससे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और देखिए प्रूफ मौजूद है, अभी इससे पहले भी आ गया पिगमेंट्स का, और अभी ये देखिए वही एमसीक्यूज आया है कि थायलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है, सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट्स, यही बात बताई थी ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, तो इस वजह से ध्यान से और फुल वो कहते हैं ना कि माइंड को हाजिर करके जो है ना वीडियो को देखें, ठीक है। सो ये इसका एट होगा ऑप्शन। अच्छा, नाइन देखिए, कैरोटीनॉइड आर मोस्टली
अच्छा, एट का जो है ऑप्शन ए था, केरोटिन, केरोटीन जो है आर मोस्टली, ये कह रहे हैं कि केरोटीन मोस्टली क्या होते हैं, रेड टू ऑरेंज होते हैं या येलो एंड रेड टू ऑरेंज होते हैं, येलो टू ऑरेंज होते हैं या ऑरेंज एंड रेड टू येलो होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी अपने लेक्चर्स में, बायोएनर्जेटिक्स के लेक्चर्स में। तो उन वो बच्चे जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उन्होंने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लिया होगा जो कि ए है, रेड टू ऑरेंज, केरोटीन आर मोस्टली जो है रेड टू ऑरेंज होते हैं, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। और ये ऐसी बातें हैं जो कि लर्निंग बेस है, जो कि मतलब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 10 देखे, दिस ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट, कि जो एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट होती है वो येलो पिगमेंट्स करते हैं या ऑरेंज या रेड, ये येलो येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भी शायद मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि वो जो है जो ब्रॉडन और द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट होती है, मीन एक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, और उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट हो रही है, तो वो कौन सा है इसमें से, कौन सी कलर्स की हो रही है, येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हो रही है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या है, डी है, ठीक है। ये पता है मैंने जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का लेक्चर दिया है ना बायोलॉजिटिक, मेरे चैनल जो है रीना वजीर अकेडमी, वहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में बायोलॉजिटिक का एक फोल्डर होगा चैप्टर्स का, फेडरल का, उसको खोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, उसको खोल के वो देख लीजिएगा, उसमें सारे रेंज सारे कलर्स बताए हुए, ठीक है। सो वो लर्निंग बेस है। अब ये जो है आपको पता होगा, याद की होगी आपने, कहीं से रीड किया होगा, सो आप करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकते हैं, इसमें समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है।